हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ एडिपो फ्री और आप देख रहे हैं दुनिया की मनोरंजक कुश्ती प्रतियोगिता। मेरा मतलब है WWE 13। और ये है तीन बंदर जंगले के अंदर। ये तीन बंदर जंगल से भाग आए और हमने इनको एक केज में डाल दिया और अब इसे हम कहते हैं ट्रिपल थ्रेट हेल इन अ सेल। और इसमें है ब्रॉक लेसनर, जॉन सिना और CM पंक। और मैं ब्रॉक लेसनर को कंट्रोल कर रहा हूँ, जिसकी अभी जॉन सिना पिटाई कर रहा था। और जॉन सिना ने और CM पंक ने जॉन सिना को हटा के ब्रॉक लेसनर की बिल्कुल इज्जत बचा ली। और ये है मेरा बदला बेवकूफ। और एक बहुत ही बढ़िया टॉन्ट, ये देखिए इन तीन बंदरों को, ये सब केले के लिए लड़ रहे हैं। और CM पंक इतनी जल्दी पिन पॉइंट करते हुए, और ये क्या, मुझे लगा मैं CM पंक को मारने वाला हूँ, ये तो बिल्कुल ही उल्टा हो जा रहा है आज। वैसे स्टार्टिंग में मुझे खेलते वक्त ये भी नहीं पता चल रहा था कि मैं इस गेम में जीतूँगा या नहीं जीतूँगा, बट आप तो जानते ही हैं मैं कितना एक्सपर्ट हूँ। अब अपनी तारीफ क्या करूँ अपने मुँह से। देखिए CM पंक को धोबी पछाड़ देते हुए, और ये बहुत ही बढ़िया फिनिशर। और ये देखिए इतनी जल्दी ये पिन पॉइंट कर रहा है इस बेवकूफ जॉन सीना को, क्या लगा कितनी जल्दी गेम ख़त्म हो जाएगा। और मैं बाहर कूदते हुए ब्रॉक लेसनर, एक्चुअली मैं स्टेज के नीचे से कुछ उठाना चाहता था। और ये रही चेयर, अरे वाह, अब मैं इस पर बैठ के गेम नहीं देखने वाला बिल्कुल भी, बल्कि इस चेयर से उनको मारने वाला हूँ। ये क्या, उन्हें लग ही नहीं रही। ओके, ये वगैरह बात दोनों के सिर पे, और इन दोनों को देखिए इन बेवकूफों को, अरे ये क्या हो रहा है आज, कंट्रोल्स थोड़े ढीले पड़ गए हैं। ओ बस CM पंक बच ही गया बाल बाल। ये ले अब आया मज़ा, और चेयर टूट गई है। ये इतनी सस्ती क्वालिटी की चाइनीज चेयर है, तभी इतनी जल्दी टूट गई, नहीं तो थोड़ी देर तो और चलती। और वो गायब भी हो गई, देखा आपने, चेयर स्टेज से गायब हो गई टूटी हुई चेयर। चलो अब हम कुछ नया ढूंढते हैं नीचे से। अरे अरे नीचे क्यों नहीं देख रहा। ओके, एक और चेयर, यहाँ पे भी चेयर, उस साइड पे भी चेयर। ओ बच गया। अरे कहाँ मार रहे, तेरे पीछे मार, अरे बीच में नहीं साइड में। अब देख रहे हैं कुछ कंट्रोल बहुत ढंग से नहीं काम कर रहे, और इन दोनों बेवकूफ़ों को देखिए लड़ते हुए बच्चों की तरह। और ये तीसरा बंदर आके मार गया दोनों को, और ये हुई ना बात। और ये चेयर भी मेरे को लगता है टूट गई है, और मैं भी ट्राई करता हूँ पिन पॉइंट करने की, बट इतनी जल्दी नहीं हुआ। ये भी देखो चाइनीज चेयर थी, गायब हुई अपने आप। ये चाइनीज गुड्स एक नंबर के घटिया, बट सस्ते भी होते हैं, उन्हें पता है कि ये चेयर्स इतनी सारी तोड़नी होती है, फाइटर्स ने तो पहले ही सस्ती चेयर्स मंगवाते हैं कि ज़्यादा नुकसान ना करें। और ये ब्रॉक लेसनर को बाहर फेंकते हुए और फिर बचाते हुए, और ये दोनों मेरे से लड़ना चाहते हैं, और मुझसे लड़ोगे है इतनी हिम्मत। और ये एक बहुत ही तगड़ा, अब जॉन सीना याद रखेगा, देखो कैसे अपना पेट पकड़ के रो रहा था बच्चे की तरह। और तुम भी लो, और एक और पिन पॉइंट की कोशिश, और लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दी कर रहा हूँ पिन पॉइंट, थोड़ी देर में करना चाहिए। और ये बच गया। अब ये दोनों बच्चे अपने पापा से लड़ते हुए, अभी बताता हूँ गंदे बदमाश बच्चों। और मैंने ब्रॉक लेसनर ने अपने बच्चे जॉन सिना को उठा लिया था और नीचे पटक दिया। अभी ये सुधरा नहीं, इसको सुधारना पड़ेगा इस गंदे बच्चे को। और दोनों भाइयों को ऐसे नहीं लड़ना चाहिए। ओहो, ऐसे तो अपने पापा को ही मार दिया। ओके चलो अब हम बाहर जाते हुए, अंदर जाते हुए ऊपर से इनके ऊपर कूदते हैं। और ये एक बहुत ही प्यारा सा थप्पड़ CM पंक के मुंह पे, और CM पंक तो बिल्कुल नीचे ही गिरने वाला है।
और ये लो, मैंने उसे बाहर ही गिरा दिया। और तुम नीचे क्यों उतरे? तुम्हें किसने कहा था नीचे उतरने के लिए? और ये पता नहीं क्यों इधर उधर और नीचे गिरा रहे हैं मुझे। और ये ब्रॉक लेसनर नीचे गिर गया, देखिए। अब ये दोनों ब्रॉक लेसनर के पीछे बढ़ते। ओहो, ये काफी बढ़िया। और ये उससे भी बढ़िया ग्रैम्पल आयरिश विप था शायद से। हाँ, आयरिश विप। और अरे वाह, केज का दरवाजा टूट गया और तीनों बंदर बाहर भाग रहे हैं। अभी मैं सील टेयर से इन दोनों की पिटाई करता हूँ। ये बढ़िया। और स्टील स्टेप भी चाइनीज थे, टूट के बाहर गायब हो गए। और ये मैंने उसको उठा लिया और इसको गिरा भी दिया। इसकी थोड़ी और पिटाई करते हैं, जॉन सिन्हा की। टेबल के ऊपर इसको मारते हैं। तू नहीं, मैं मारूंगा उसको। ओके, अब आए मजे, अब आए। हाँ, ये सीएम पंक तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ है। और जब तक ये अंदर नहीं आएंगे तब तक मैं इन्हें पिन पॉइंट नहीं कर सकता। चलो, इन्हें चेयर से लेके आके मारता हूँ। इतनी घटिया चेयर, इतनी सस्ती क्वालिटी की। चलो, मैं रेफरी को ही मार के खुश हो जाऊँगा। ये दोनों तो मुझसे लड़ नहीं रहे। और ये रेफरी भागते हुए इधर उधर, कहाँ जाऊँ मैं अब? वो बाहर लड़ रहे हैं दोनों बच्चे, वो रेफरी अंदर अकेला खड़ा हुआ है मज़े से। और चलो, सीएम पंक को ही पटक देता हूँ। ओ, इतनी हिम्मत, अभी बताता हूँ। और गिराएगा मुझे? और कुछ नहीं होता, गिरा ले गिरा ले। और जॉन सिन्हा ने बचा लिया। और लगता है जॉन सिन्हा के सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। इसको कोई मेडिसिन दीजिए सिर दर्द की। देखो कैसे अपना सिर पकड़ के रो रहा है। और ये दोनों को ही लग गई। और ये फिर से गायब हो गई स्टील स्टेयर्स। बिल्कुल ही सस्ती और घटिया चाइनीज क्वालिटी। और ये काफ़ी अच्छा मूव। अरे अंदर भी आ जाओ, आप बाहर ही लड़ते रहोगे केज के। और ये देखिए रेफरी को, क्या तुम्हारा? अरे माफी मत मार, मत मार, कुछ नहीं होता, एक और मार। और देखिए ये मुझे दोनों बोर कर रहे हैं। बुला उसको अंदर, नहीं तो तेरे को मारता हूँ। और अगर मैं ज़्यादा रेफरी को मारूंगा वो मुझे बैन भी कर सकता है और मैं हार सकता हूँ। और ये दोनों बंदर जीत जाएंगे। अंदर आ जा हो बेवकूफों, तो उससे बाहर लड़े जा रहे हो। और ये इन दोनों का अंदर आने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। बाहर ही लड़े जा रहे हैं गंदे बच्चों की तरह। मुझे ही लगता है बाहर से इनको अंदर लेकर आना पड़ेगा। और ये बहुत ही बढ़िया, अब इसको उठा के अंदर फेंकता हूँ। ओहो, तू कहाँ से आ गया बीच में? चल तेरे को ही अंदर फेंक देता हूँ। अंदर नहीं जा रहे। और पहले इनकी थोड़ी सी पिटाई करके फिर अंदर डालना चाहिए। और ये बहुत ही बढ़िया, ये दोनों कैसे पिट रहे हैं बॉक्लेसलर से। अरे उधर नहीं, अंदर स्टेज की तरफ फेंक इसको। अरे स्टेज के ऊपर भी आ जाओ अब। अरे आ जाओ ऊपर। चलो सीएम पंक तो ऊपर आ गया, अब इसकी पिटाई करता हूँ। और ये काफी अच्छा है। और ये बहुत ज्यादा मरियल हो चुका है, सीएम पंक बिल्कुल थक चुका है। और ये मैं जीत गया, मेरा मतलब है ब्रॉक लेसनर जीत गया। बात तो एक ही है, खैर जीत जीत गया तो मैं जीता, हार गया तो वो हारा। ये है हमारा प्लान। और धन्यवाद देखने के लिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा व्यूज़ अभी नहीं मिल रहे, बट फिर भी थोड़े बहुत मिल ही रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और धन्यवाद देखने के लिए, आशा करता हूँ आप मेरी और गेम्स भी देखेंगे। पीस आउट, और आपका दिन शुभ हो।